यूपी के मुख्यमंत्री शुक्रवार को प्रयागराज पहुंचे और यहां पहुंचकर गरीबों को सरकार द्वारा बनाए गए घरों के दस्तावेज सौंपे। योगी आदित्यनाथ ने ये घर मारे जा चुके माफिया अतीक अहमद द्वारा जबरदस्ती कब्जा की गई जमीन पर बनाए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने पिछले साल दिसंबर में यहां आकर इस योजना का शिलान्यास किया था। ये वही प्रदेश है जहां 2017 के पहले गरीबों की भूमि पर, व्यापारियों की भूमि पर, सरकारी भूमि पर कोई भी माफिया, कोई भी कमान लगाकर के कब्जा कर लेता था, गरीब देखता रहता था। लेकिन अब माफिया और दबंगों से छुड़ाई गई भूमि पर गरीबों के लिए आसियाना बन रहे हैं, अच्छे भवन बन रहे हैं, या अपने आप एक महंगे में। और प्रयागराज प्राचीन काल से हमारी धरती पवित्र धरती रही है। यूपी सरकार के मुताबिक 41 स्क्वायर मीटर का ये एक फ्लैट है जिसमें 2 बेडरूम समेत एक किचन और एक बाथरूम है। प्रयागराज प्रशासन के मुताबिक लगभग 6,000 लोगों ने इन फ्लैट्स के लिए आवेदन किया था, जिसमें लॉटरी के जरिए 76 परिवारों को ये फ्लैट आवंटित किए गए हैं। इस साल अप्रैल में अतीक अहमद और अशरफ अहमद की पुलिस हिरासत में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अतीक और अशरफ की हत्या मीडिया कैमरों की मौजूदगी में की गई थी। दोनों पर ही 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV।